नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फ्लो में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सारण्य परिवार के सिलसिले में। जी हाँ, सारण्य परिवार बहुत सारे लोगों को पैसे इन्वेस्टमेंट पर हैं। साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जानकारी देते हुए कि सारा इंडिया परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो सेबी यानी सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया सहारा के निवेशकों को ब्याज समय तो सिर्फ 130.07 करोड़ रुपए ही वापस कर पाया है। सारा इंडिया पर रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे सारा इंडिया ने 232.85 लाख निवेशकों से 19,400.87 करोड़ रुपए और सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि अगर हम बात करें SHICL ने 75.14 लाख निवेशकों से 63,380.50 करोड़ रुपए एकत्रित किए, यानी कि आप भी निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को आदेश दिया जिसके बाद सारा इंडिया ने निवेशकों से जमा 25,781.37 करोड़ रुपए के मूल राशि के खिलाफ 31 दिसंबर 2021 तक से भी सारा रिफंड खाते में 15,503.69 करोड़ रुपए जमा किए। वित्त राज्य मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सेबी को कुल 81.70 करोड़ रुपए की मूल धनराशि के 53,642 मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र पासबुक से संबंधित 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सेबी ने 17,526 बॉन्ड धारकों को कुल 38.07 करोड़ रुपए के 48,326 मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र पासबुक वापस कर दिए हैं। फ्रेंड्स, ये चले ही सारण्य परिवार की ये जो अपडेट है मैंने आपको बताया, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सारण्य परिवार से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आते हैं मैं आपको बताता रहूँगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।